हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मयंक S41 यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि अपन अपनी साइकिल में बार एंड लाइट लगाएंगे, तो आज वो वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये मेरे पास बार एंड लाइट है जो ब्लू व्हाइट कलर में आती है, तो इसको अपन लगाने वाले हैं अपने ऑक्टेन में। मैंने आपसे पूछा था कि किस साइकिल में लगाएं, तो आप लोगों ने बहुत से कमेंट आए थे कि ऑक्टेन में लगाओ, तो ऑक्टेन में अपन व्हाइट वाली लगाएंगे और बाद में मैं इसमें लगा दूंगा ब्लू में, ताकि ब्लू वाला भी आपको कंपैरिजन मिल जाए। इसकी मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा और इसमें अपन पूरी टोटल फिटिंग करेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाता हूँ कि इसकी टोटल फिटिंग कैसी होगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने बार एंड लाइट को लगाने के लिए। पूरा यहाँ पे सामान है मेरे पास, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले अपने बार एंड लाइट पे आ जाते हैं। ये लोकल से बार एंड लाइट है, पर ये अच्छे चलते हैं बहुत। तो यहाँ पे इसमें कलर देख सकते हैं आप लोग, कौन कौन से येलो कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, तो ये सारे कलर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और ये यहाँ पे अपने पास एक वायर कटर है, दो वायर के पीस हैं और एक स्विच है, एक अपनी 9 वोल्ट बैटरी है और एक इलेक्ट्रिक टेप है। तो इसकी मदद से, सब की चीज़ों की मदद से यहाँ पे अपने बार एंड लाइट अच्छे से फिट हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ अपने बार एंड लाइट्स। तो ये कुछ इस टाइप से बार एंड लाइट्स मिलती हैं आपको। तो यहाँ पे एक वो रख दी है मैंने, तो ये देख सकते हैं आप लोग पूरी बार एंड लाइट्स है। इसके अंदर LED है। ये आपको प्राइस कुछ भी प्राइस में मिल सकता है, जैसे मेरे को 150 का मिला है तो आपको 200 या फिर 100 रुपीस का भी मिल सकता है। तो ये आपके जहाँ रहते हैं उस वहाँ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपको कितने का सेल करते हैं। वैसे आपको अगर इसका अमेजोन लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और कमेंट्स बिलो में भी अवेलेबल है, तो आप जहाँ के परचेज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इसकी बात करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा, और यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है ब्लैक कलर का, आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अपन को ये पार्ट्स पूरे रिमूव करने पड़ेंगे, जिसकी मदद से ये अपन अपनी साइकिल में फिट करेंगे। तो चलिए पहले इन दोनों को रिमूव करते हैं, फिर अपनी साइकिल में इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक टाई लगी रहेगी, आप लोगों को इसको खोलना है। कुछ इस टाइप से जल्दी से निकल जाती है। तो इसको निकालने के बाद आपको ये नट भी खोलना पड़ेगा, और इसके बाद ये ब्लैक कलर का वॉशर टाइप का रहता है, इसको भी खोलना पड़ेगा। सो गाइस, आपको इसी तरीके से दोनों लाइट के जो नट्स होते हैं इनको निकाल लेना है। तो मैं आपको वो वाली लाइट का भी निकाल के दिखाता हूँ, और ये देख सकते हैं आपको ये कुछ इस टाइप की दिखेगी। सो गाइस, आपकी जो आपने ग्रिप्स लगाई होगी साइकिल में, हैंडल ग्रिप्स जिसको अपन बोलते हैं, ये अगर आपकी साइकिल में है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बस क्या करना है कि जो इसमें ये होल होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा करने की आपको ज़रूरत है, जो आप एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसको आपको इतना बड़ा सा कर देते हैं और बस इतना काफ़ी रहेगा। फिर आपको थोड़े से वायर लेके इस टाइप से फिर इसमें लगा देना, देखिए कुछ इस टाइप से ही लग जाएगा। ये इस टाइप से लगने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। गाइस, आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क भी कर रहा है। यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट करी है, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। तो उसी साइड भी मैं सेम लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको पूरे कनेक्शन अच्छे से समझा देता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको परफेक्ट फिट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेप का इस्तेमाल करा है, ताकि एकदम स्टडी रहे और ज़रा भी ना हिले। और यहाँ पे इसके वायर हाइड हो चुके हैं, तो अपन ये वायर्स को नीचे से ले लेंगे और ये लाइट अपनी बहुत कमाल दिखने वाली है। तो चलिए आगे की प्रोसेस भी स्टार्ट करते हैं। जिस टाइप से मैंने यहाँ पे लगाई है, उसी टाइप से यहाँ पे भी लाइट लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको पूरे कनेक्शन अच्छे से समझा देता हूँ।
सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको फिट कर दिया है एकदम बहुत अच्छे तरीके से, कितनी अच्छी से फिनिश आई आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे भी ये अच्छे से फिक्स हो चुका है, तो दोनों साइड अपने मतलब लग चुके हैं। और यहाँ पे मैंने बैटरी फिक्स कर दी है, तो अब होगा क्या कि यहाँ से अपनी बैटरी की पावर आएगी। और इस बार स्विच मैं यहीं पर लगाऊँ सोच रहा हूँ, और यहाँ से जो अपनी वायर है यहाँ से सीधा बैटरी में आएगी और एक वायर एक्सटेंड होके यहाँ पे स्विच में लग जाएगी। तो वो प्रोसेस भी मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से जल रही है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आगे का प्रोसेस भी स्टार्ट करते हैं, जो है वायरिंग। सो गाइस आप लोग एक बार वायरिंग पे नज़र डालो कि मैंने यहाँ पे कितने ज़्यादा वायर लगा दिए। वैसे इतने वायर लगने नहीं थे, पर मैंने जोश जोश में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे वायर लगा दिए हैं। तो ये अपना स्पीडोमीटर बंद क्यों है तो इसको चालू करो। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं वायरिंग का हाल। पहले मैं इसकी वायरिंग अच्छे से कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें किस तरीके से वायरिंग हुई है। तो मैं यहाँ पे वायरिंग अच्छे से कर लेता हूँ, फिर आप लोग गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी टोटली फिटिंग हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने इसकी पूरी वायर हाइड कर दी, तो अब यहाँ पे ज़रा भी वायर्स नहीं दिख रही है। तो इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। 3, 2, 1 बूम गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से जल रही हैं। और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्लो कर रही है गाइस, एक नंबर लुक आ रहा है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। और आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि किस तरीके का लुक आ रहा है। तो यहीं देख सो गाइस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और ये बारेंट के लिंक आपको मिल जाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और कमेंट में भी मैं मेंशन कर दूंगा लिंक्स को, तो आप वहां जाके बाय कर सकते हैं। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।